देश भर में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटों में इस लगभग 16,000 नए केस आए सामने और 26 लोगों की हुई मौत। लखनऊ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने अब्दुल्ला आजम को किया जाएगा पेश। रूसी गोलाबारी में 20 साल की यूक्रेनी डांस स्पोर्ट चैंपियन डारिया कुड्रेल की हुई मौत। गगनयान की तैयारी पूरी, अगले एक या दो साल में भारतीय वैज्ञानिक जाएंगे अंतरिक्ष। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 192 लोगों की हुई मौत। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज अमृतसर कोर्ट में होगी पेशी। नोएडा में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, प्रशासन को किया गया अलर्ट। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की हार, मेजबान स्पेन ने 1-0 से दी शिकस्त। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने खरीदा करोड़ों का लग्जरी अपार्टमेंट, बने शाहरुख खान के पड़ोसी। सूर्य कुमार यादव का शतक भी नहीं दिला सका भारत को जीत, तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने भारत को पछाड़ा।